रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के लगभग कई बच्चे बीमार हो गए, जिनको प्रबंधन ने आनंद फानंद में हाईटेक अस्पताल भिलाई में भर्ती कराया। और उन बच्चों में जो कई सारे बीमार हुए हैं, उनमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई छात्र की। लेकिन इसमें अंदर की जो बात है वो अभी तक उजागर नहीं हुई। मानते हैं कि प्रशासन लगा हुआ है और जो राजनीतिक दल है वो भी गए उनको देखने के लिए, लेकिन इंडियन न्यूज अंदर की खबर लेके आया है क्या कि किस कारण वो बच्चे बीमार हुए, कैसे उनकी तबीयत खराब हुई, क्या व्यवस्था थी और क्या व्यवस्था नहीं थी, इसका खुलासा हम करने वाले हैं। और भी एक बात बता दूं मैं आपको कि इंडियन न्यूज इस खबर पे लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा। भिलाई के रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की दर्जनों छात्राएं हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार, जिनमें एक छात्रा की मौत, जिसका नाम कामिनी था। अब जानते हैं किन कारणों से बिगड़ी इनकी तबीयत। अब आपको लिए चलते हैं जहां बनता था इनका खाना। ये है रस्तोगी कॉलेज का कैंटीन। इसी दूषित वातावरण में खाते थे खाना बच्चे। यहीं बैठकर नाले के बगल में मिलता था इन्हें खाना। अब लिए चलते हैं आपको भिलाई के हाईटेक अस्पताल में, जहां उन छात्राओं का इलाज चल रहा है। इंडियन न्यूज के संवाददाता सत्यम पांडे मौजूद है। रस्तोगी कॉलेज की 3 दर्जन ज्यादा जो छात्राएं हैं वो फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई हैं। इंडियन न्यूज से जानने निकली है कि जिम्मेवारी किसकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्मनी साहू है। क्या खाए थे आप? मैं तो उस दिन दाल चावल सब्जी और रोटी खाई थी रात को। खाने में कुछ खट्टा वट्टापन होता होगा? खट्टापन रहता था। शिकायत की थी लेकिन सर बोले थे कि खाना दूसरे दिन से ठीक बनेगा ऐसे करके। अच्छा, तो और भी यहाँ पर जो मरीज वहाँ बैठे हुए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी मनहर। क्या खाए थे आप? मैं सुबह सिर्फ पोहा खाई थी, फिर दोपहर को ना उल्टी जैसे फील हो रहा था, खाने को गई थी फिर नहीं खाई। खाना कुछ खट्टापन होता होगा खाने में। खाना सही लगता था आपको वहाँ का? हाँ लगता था, बस कुछ मसाला थोड़ा ज़्यादा लगता था ना। मसाला बहुत होता था वहाँ पर। हाँ। और पानी वानी पीते थे, पानी में कुछ लगता होगा कि पानी खराब है? हाँ, पानी लगता था पानी में। पानी खराब लगता था आपको? आपने शिकायत किया कभी? सभी किए थे ना, इसीलिए चेंज। सारी छात्राएं मिलकर शिकायत की थी? हाँ। सर ने क्या कहा? चेंज करवाएंगे अच्छे से दूसरे। और भी छात्राएं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्जला शर्मा। क्या हो गया आपको, तबीयत कैसे खराब हो गया आपका? कैसे क्या, हम लोग यूपी से हैं, वहाँ से आए हैं, मतलब यहाँ का पानी सूट नहीं किया। जब आए थे तो ठीक थे, लेकिन 2-3 दिन के बाद लगता था कि पानी सूट नहीं कर रहा है यहाँ का। और भी छात्रा यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मांजरा क्या है। क्या नाम है आपका? सारी। तबीयत कैसे खराब हो गया? वही मतलब मुलुज मोशन हो रहा था मेरे को और बॉडी में पेन हो रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब यहाँ पे आई तो एडमिट होना पड़ा, शरीर में पानी का कमी है बता रहे हैं। और तो कॉलेज के द्वारा आपको यहाँ पर लाया गया कि आप खुद से आए हैं यहाँ पर? पेशेंट के साथ आई थी, फिर 4 बजे मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया तो मेरे को भी यहाँ पे भर्ती होना पड़ा। खाना वाना खाती थी कॉलेज का ठीक है, वो सही लगता था खाना वहाँ का? नहीं, सही नहीं लगता था। हम लोग बहुत बार मतलब कंप्लेन कर चुके हैं खाने के लिए, तो सर बोल एक सर हैं वो बोले हम लोग को कि तुम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हो कि पढ़ाई करने के लिए आए हो। सर ने आपसे कहा कि आप खाने के लिए आए हैं कि पढ़ने के लिए आए हैं, आपने फिर क्या कहा सर? हमने बोला कि हेल्थ इम्पोर्टेंट सबसे, मतलब हमारा हेल्थ सही रहेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। यही बोलना है सर का? इंद्रजीत नाम है सर का। इंद्रजीत नाम है सर का। इंद्रजीत नाम है सर का। नाम इंद्रजीत।
सर के पास गई अपना शिकायत लेकर के, सर ने कहा आप खाने आए हैं कि पढ़ने आए हैं? हाँ, और पानी का भी हमें ना हॉस्टल में पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो इसका भी हम लोग बहुत बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, शिकायत की है सर से मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। हॉस्टल भी सफाई नहीं रहता, टॉयलेट को भी बहुत हफ्ते में एक बार होता है सफाई उसका, और टॉयलेट का तो ये हाल है मैं बता रही हूँ, बच्चे लोग उसी में नहाते हैं और उसी में टॉयलेट जाते हैं, उसी बाल्टी और उसी मग में। कारण ये है, अब मुख्य कारण ये है क्या नहीं पता, लेकिन मेरे को तो अगर खाने में प्रॉब्लम है कि पानी में, दोनों में से एक में हो सकता है, अब मेरे को भी नहीं पता, लेकिन दोनों ही अच्छा नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है ना पानी भी अच्छा नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है ना पानी भी अच्छा नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है ना पानी भी अच्छा नहीं है। बता रहे थे सर, बोल रहे थे आपको STSCO फ्री में खा रहे हो, कौन सा कह रहे थे आपको सर? उनका नाम नहीं पता लेकिन ऐसे बोल रहे थे कि STSC वाले हो फ्री में खा खा के मोटा रहे हो, ऐसा करके बोल रहे थे कि STSC वाले हो फ्री में खा खा के मोटा रहे हो, ऐसा करके बोल रहे थे। आप पहचान लेंगे? नहीं, फर्स्ट बार मिली थी उनसे। कॉलेज के ही हैं कि बाहर से आए हैं? कॉलेज के ही हैं। कॉलेज के ही? जैसा कि आपने देखा पूरी गलती जो है वो रस्तोगी कॉलेज की है, कई दफ़ा छात्राओं ने प्रशासन से शिकायत भी की है वहाँ के जो मैनेजमेंट है, मगर उन्होंने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया और उसके चलते आप देख सकते हैं कि वो फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई हैं। हम रस्तोगी कॉलेज भी जाएंगे, वहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इतनी दफ़ा जब छात्राओं ने शिकायत किया तो उन लोगों ने इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया। तो आपने सुना छात्राएं कैसे हुई फूड पॉइजनिंग की शिकार। कई छात्राओं ने कहा खाना खाने की वजह से, तो कई छात्राओं ने पानी से जुड़ी समस्याओं को बताया, और एक ऐसी छात्रा है जो उत्तर प्रदेश से आई है जहां इस कॉलेज में देश भर के सैकड़ों छात्र आकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे में कॉलेज प्रबंधन कैसे लापरवाह हो सकता है। आइए अब जानते हैं इसमें कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या बातें सामने आई। हमारे साथ रस्तोगी कॉलेज के मैनेजर साहब जुड़े हुए, तो मैनेजर साहब क्या है पूरा मामला? पूरा मामला मतलब जो ये प्रॉब्लम हो रही है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जो बेसिकली क्या होता है कि एक बरसात आता है, मौसम चेंज होता है, बरसात बीच में 5-7 दिन पहले बहुत हैवी बरसात हुई थी, सुबह सब जगह पानी भर गया। ये पानी की वजह से क्या हुआ कि जो सिर्फ पानी पीने के पानी में कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी या कहीं ना पानी जो मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे को डिसेंट्री हो गई है, जो डायरिया बोलते हैं अपन, वो डायरिया हो गया है, उसकी वजह से कुछ बच्चे एडमिट हो गए जिनका ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली कर रहे हैं और ऐसे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सब चीज़ें स्मूथ चल रही है। कभी कभी तो हम सर को बताते हैं कि सर यहाँ पे कीड़ा मिला है खाना में, सर बोलते हैं ठीक है इसको ले जाओ करके, तो छोटे वाला रहता है लाल वाला, उसको हम लोग साइड में रख के खा लेते हैं, पर जब वो लंबा लंबा वाला कीड़ा रहता है नहीं खा पाते। अब बीमार ये हो गया कि क्या है, फोबिया भी बहुत होता है, कोई बच्चा बीमार है साथ में दो और हैं तो उनको भी लगता है मैं भी बीमार हूँ, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत होता है। लेकिन हाँ, पानी में कहीं ना कहीं मिक्सिंग का हुआ है, और वो भी क्या है हमारे यहाँ जो एक हॉस्टल है उसी हॉस्टल में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, कोई फूड पॉइजनिंग कुछ भी नहीं है, पानी का डाउट है वो जिसका हमने चेक करवा लिया और उसको रेक्टिफाई भी किया। हॉस्टल में से हमारे सिंगल साहब डॉक्टर साहब जो हैं जो ट्रीट कर रहे हैं उनको, उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग का मामला है? नहीं सर, मेरी खुद सिंगल साहब से बात हुई है, उन्होंने खुद ही मुझे मेरे सामने और मेरे दो कोलीग के सामने स्टेटमेंट बोला ये फूड टीम गई हुई थी उनके पास एक बाइट है। नहीं, मैं भी बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मेरे को उन्होंने खुद बोला है कि ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये उन्होंने खुद ही बोला कि ये पानी का चांसेस बहुत ज़्यादा है, पानी का प्रॉब्लम है, ये फूड पॉइजनिंग है, ये फूड पॉइजनिंग है, ये फूड पॉइजनिंग है। नहीं, ये अलग अलग टाइप के फूड पॉइजनिंग, कुछ फूड पॉइजनिंग आपको 6 घंटे में भी असर दिखा सकती है, कुछ फूड पॉइजनिंग 24 आवर में भी, कुछ फूड पॉइजनिंग इवन थोड़ा लेट में वो करती है। पानी की वजह से ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पानी में कहीं ना कहीं सीवरेज का पानी मिल रहा हो, लेकिन क्योंकि क्या हमारे यहाँ बोरिंग का पानी आता है, बच्चे उस हॉस्टल में बोरिंग का पानी आता है, बोरिंग का पानी अब इतना डेप्थ लेवल से आता है तो कहाँ से ये मिक्सिंग हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ पता, लेकिन अभी फिलहाल तो जो वाटर का अपन ने दिया हुआ है उसका रिजल्ट होपफुली अभी आ गया होगा, मैं चेक कर लूँगा तो पता चल जाए कन्फर्म क्या है, लेकिन हम अपने तरह से प्रिकॉशन लेके पानी का सिस्टम चेंज कर दिए। हमारी छात्राओं से बात हुई, छात्रा कह रही थी खाना जो है काफ़ी खट्टा होता था, कि अब खाना कुछ ख़राब होता था उनका? नहीं सर, ये सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं बच्चे। खट्टापन रहता था खाना कभी भी नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, वो क्या है देखिए
जब बोलने की बारी आती है तो बच्चा अपने हिसाब से, जो बच्ची उसने बोला कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई दफ़ा छात्राओं ने शिकायत किया सर से, तो सर ने कहा आप यहाँ खाने आए हैं कि आप पढ़ने आए हैं? नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। एक सर हैं, वो बोले हम लोग को कि तुम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हो कि पढ़ाई करने के लिए आए हो। सर ने आपसे कहा कि आप खाने के लिए आए हैं कि पढ़ने के लिए आए हैं? आपने फिर क्या कहा सर? हमने बोला कि हेल्थ इम्पोर्टेंट सबसे, मतलब हमारा हेल्थ सही रहेगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे, नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। जब भी मैंने उन्हें कहा कि ठीक है अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लगता है तो हम यहाँ पे हर 15 डेज में मीटिंग रखते हैं फूड की, आप लोग आइए मीटिंग करवाएंगे, जो भी होगा आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश। आखिरी और सबसे गंभीर सवाल, एक छात्रा बता रही थी जी, एक भोला सर हैं आपके, वो कह रहे थे आप STSC के लोग हैं, आप फ्री का चावल खाते हैं, फ्री में मिल रहा है आपको, ज़्यादा बात ना करें। नहीं, एकदम सरासर गलत इल्ज़ाम है। उनका नाम नहीं पता लेकिन ऐसे बोल रहे थे कि STSC वाले हो फ्री में खा के मोटा रहे हो, ऐसा करके बोल रहे थे कि STSC वाले हो फ्री में खा के मोटा रहे हो, ऐसा करके बोल रहे थे। बच्चे आपके बारे में कह रहे हैं, आप इंद्रजीत हैं जी, कह रहे हैं कि आपसे ऐसा कहा गया, अब बच्चे तीन बच्चे कहें रिकॉर्ड भी हमारे पास कि आप कहते हैं आप यहाँ खाने आए हैं कि पढ़ने आए हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, हो सकता है कि कभी किसी से, कुछ कैंडिडेट्स मेरे ऐसे हैं कि जिनसे मेरी अच्छी बनती है, तो उन लोग से कई बार ऐसा हो जाता है कि खाने का प्रॉब्लम होता है, तो हम बोल देते हैं कि ठीक है। नहीं, 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 ऐसा नहीं बोला मैंने, ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैं बोला ठीक है बेटा खाने के लिए। उनका कहना है कि जो फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं हुई है, हो सकता है क्योंकि वाटर के सैंपल अभी आए नहीं है, सैंपल आने के बाद पता लगेगा कि आगे क्या चीज़ थी। इस मामले को लेकर दुर्ग जिले के CMHO ने इस पर जांच टीम बनाई है, आइए जानते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया। हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि हाईटेक अस्पताल में रेस्तोगी कॉलेज जो है उसके कुछ बच्चे हॉस्टलर जो हैं, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, वो भर्ती हो गए हैं, जिसके लिए तुरंत मैंने एक टीम बनाई जिसमें मैं स्वयं, जिला चिकित्सालय से मेडिकल स्पेशलिस्ट, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर और एपिडेमियोलॉजिस्ट, साथ में भिलाई से जो है हमारे CPM, इतने लोग की टीम हम गए थे हाईटेक अस्पताल में जाके देखे हैं। वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी बात हुई है, वहाँ 39 बच्चे लोग जो हैं वो भर्ती हैं वहाँ पे, और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत थी। वर्तमान में अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों का कहना है कि सभी बच्चे जो हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अभी की कोई भी सीरियस है, गंभीर नहीं है। तो क्या खा के भर्ती है, क्या खा? ये पूछा गया हमने वहाँ पे, उन ये बताया गया कि वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल और भी हैं लेकिन फूड पॉइजनिंग एक ही जगह में हुआ है, इसलिए हम जहाँ पे हॉस्टल था वहाँ भी गए थे। वहाँ पे नगर निगम की जो हमारी टीम है वो भी गई थी, चिकित्सा प्रभारी वहाँ पे थे, उनके द्वारा पानी का सैंपल लिया गया है और हमने यह देखा कि वो बच्चे लोग भी यही बोल रहे थे कि पानी जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसकी हम जांच करवा रहे हैं, इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। जहां इस मामले की शिकायत कलेक्टर को मिली तो स्वयं जिले के कलेक्टर महोदय और दुर्ग जिले के SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव तुरंत हाईटेक हॉस्पिटल पहुंचे और छात्राओं की तबीयत की स्थिति की जानकारी ली। वही कलेक्टर मीना ने बताया इस संबंध में हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है और प्रबंधन के खिलाफ FIR की जा चुकी है। कल जैसे ये मामला सामने आया तो नगर निगम की हेल्थ की टीम और हमारी मेडिकल की टीम CMHO के साथ में गई थी, इसमें MD मेडिसिन भी थे और भी कई डॉक्टर्स थे, और जाकर पहले बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने बताया कि वहाँ का जो पानी काफ़ी दूषित आ रहा था और उसकी शिकायत उन्होंने कॉलेज के प्रबंधन से भी की थी, पर उसमें कोई सुधार नहीं आया और बच्चों की तबीयत बिगड़ती गई। ध्यान देने बात ये बात ये भी है कि लगभग 3 बच्चों की तबीयत बहुत 3-4 दिन पहले ख़राब हो चुकी, उसके बारे में भी कॉलेज प्रबंधन ने कोई प्रोएक्टिव कोई काम नहीं किया और बच्चों की तबीयत और ख़राब होती रही। फिर एक बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और बच्ची का देहांत हो गया है। बाकी जो बच्चे हैं वो अभी पूरी तरह से ठीक हैं, कुल 36 बच्चे कल हॉस्पिटल में एडमिट थे, पर सभी बच्चे अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जब टीम ने जाकर हॉस्पिटल में जांच की तो उनका जो वाटर फिल्टर था वो पूरी तरह से ख़राब था, पानी बहुत ज़्यादा दूषित था उसमें, और उसी वाटर फिल्टर में क्योंकि इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और पानी का स्रोत भी इनका खुद का ही था, खुद ही नहीं इन्होंने बोरवेल करा रखी थी। तो इसमें पूरी तरह से कुप्रबंधन का केस सामने आया है जिसमें हॉस्टल मैनेजमेंट ने, कॉलेज मैनेजमेंट ने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है
और इसी तरह की हमारी रिपोर्ट आई है और इस पर हमने एफआईआर भी करवा दी है, पुलिस ने एफआईआर भी कर ली और पुलिस इस पर हम लीगल एक्शन भी लेंगे। इस मामले को लेकर एबीवीपी के छात्र नेता भी काफी आक्रोशित है, आइए जानते हैं क्या है उनकी प्रतिक्रिया। देखिए, रस्तोगी कॉलेज में लगातार एक महीने से बच्चों को समस्याएं आ रही थी, जब छात्र उनके पास जा रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उसका कुछ निराकरण नहीं निकला था। फिर अभी कुछ 3 दिन पहले जो है वहाँ के जो छात्र हैं फूड पॉइजन के शिकार हुए, जिसमें से लगभग 60 छात्र शिकार हुए, जिसमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई। लेकिन अभी तक उन्होंने अपने मैस में और जो वहाँ पे जो छात्रावास है वहाँ पे कुछ सुधार नहीं किया। अभी भी वहाँ पे हम जब आज मैं हॉस्पिटल जाने के बाद जब हम उनसे मुलाकात किए तो छात्रावास में हमारे जब कुछ बहने गई तो वो बोल रहे थे आज भी वहाँ पे पानी में कीड़ा आ रहा था, तो जिसके वजह से हम आंदोलन किए। और अभी तक जो कॉलेज प्रबंधक हैं, जो सर हैं, रस्तोगी सर है, जो अभी तक बच्चों से भी मिलने नहीं आए हैं, 3 दिन हो गया है, इतने गंभीर विषय, लेकिन वो अभी तक जो है ना बच्चों से मिलना है ना पीड़ित परिवार जो जिनकी जो एक्सपायर हो गए उनसे भी मिलने नहीं आया, तो जिसके वजह से हम कि सर है कहाँ, लापता कहाँ हो गए, जिसके वजह से हम आज आंदोलन किए और कलेक्ट्रेट में भी हम ज्ञापन दिए कि सर के खिलाफ जो है एफआईआर की मांग की है और उनको तुरंत गिरफ्तारी का हम मांग किए। हाँ, ये कॉलेज प्रशासन का जो लाइसेंस है वो बिल्कुल रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं मैं तो बोलता हूँ सीधा के सीधा ये जो है बच्चे की जान ले रहे हैं। जब एक बच्चा अपने सपनों को लेकर आता है शहर में पढ़ने आता है गांव से, लेकिन उसके सपनों को कुचला जा रहा है, उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है, जब वो लेके जाते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो हम आपका प्रैक्टिकल का नंबर काट देंगे, तो हम ये भी मांग किए कि उनका लाइसेंस भी जो है वो रद्द किया जाए। और आने वाले समय पर विद्यार्थी परिषद पूरे छत्तीसगढ़ में जितने रस्तोगी कॉलेज वहाँ पर आंदोलन करेगी और इस विषय को लेकर हम मुख्यमंत्री घेराव भी करेंगे। आज का जो मुद्दा है, अभी 2 दिन पहले का जो मुद्दा है, उसमें 302 के तहत आपराधिक साजिश की हत्या के तहत जो वहाँ के संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसे कॉलेज को तो तुरंत निष्कासित निरस्त किया जाए उनका लाइसेंस। और ऐसे कॉलेज का चलना बहुत ही, अभी तक जो इतने सारे विषय चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो जो सरकार है संज्ञान में लेके तत्काल इसकी कार्रवाई करे और निरस्त करे और वहाँ पे ताला जड़े, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुछ समय पश्चात अगर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो जितने कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में रस्तोगी कॉलेज हैं सब में ताला जड़ेगी और उग्र आंदोलन करेगी। जिम्मेदार तो सीधी सीधी वहाँ के कॉलेज प्रबंधन ही है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं बार बार शिकायत करते हैं, पहले एक महीने से लगभग ये जो हो रहा है फूड पॉइजनिंग का शिकार जो बच्चे हो रहे हैं लगभग एक महीने से हो रहे हैं, एक महीने से जो वहाँ के कॉलेज प्रबंधन है बार बार वहाँ से बच्चे शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो प्रबंधन ध्यान ही नहीं दे रहा है बच्चों के ऊपर, ना किसी समस्या को लेकर ध्यान दे पा रहा है, तो वहाँ तो जिम्मेदार तो प्रबंधन है और जो वहाँ के संचालक हैं, मैं तो फिर से कहना चाहूँगा वहाँ जो संचालक है उन पर हत्या का आरोप, हत्या की साजिश का आरोप, जो बच्चे 60 बच्चे हैं अब 60 बच्चों से मिलने नहीं आ रहे हैं और जो 60 बच्चे जब जिनकी फिर से अगर खुदा न खास अगर उनको और कुछ हो तो जो वहाँ बच्चे हैं कम से कम उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बेचारे एक परिवार जो आज दुख में है, एक बेचारी बच्ची की जो मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ना प्रशासन जिम्मेदारी लेगा ना कॉलेज प्रबंधन जिम्मेदारी लेगा, तो इसका कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉलेज प्रबंधन को सामने आके अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसको उचित मुआवजा देना चाहिए। सर, ये बात रही तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से उनको जो उनकी कमियां हैं उनको गिनाने में हम हमेशा वो रहे हैं, एक्टिव रहे हैं। हमने समय समय पर उनको ज्ञापन दिया है, जो कॉलेज में लेकर विषय थे उनको भी हमने दिया है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इस चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। जो सामाजिक संगठन की बात रही तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा सबसे आगे रहता है ये सब चीज़ें पर, अगर मुद्दों रहते हैं जहाँ भी तो हम एक्टिव रहते हैं और वहाँ ज्ञापन और माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से जो निराकरण निकले उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस मुद्दे पे हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, देखते रहिए इंडियन न्यूज़।